हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। तो इस पूरे जो अध्याय है इसमें जो शिव जी हैं, जो आप में से नियमित रूप से कक्षा में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा पीछे का दोहराने का प्रयास करूँगा। इस पूरे अध्याय में जो शिव जी हैं वो एक गीत गा रहे हैं, इसको रुद्र गीत बोला जा रहा है। और क्या है, शिव जी भगवान का क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो कई बार ये संशय आता है लोगों के मन में कि वास्तव में असली भगवान कौन है, वो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, कौन है। तो शिव जी यहाँ पे स्वयं, अगर हम ये पूरा अध्याय देखेंगे तो शिव जी क्या कर रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भगवान जो कृष्ण है वो ही सर्वोत्तम भगवान है। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि जो भगवान कृष्ण है वही सब कारणों को क्या है, कारण है। तो ये शिव जी इस पूरे अध्याय में यही समझाना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरदाय जी जय, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं शिव जी कि वास्तव में भगवान कृष्ण को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है ना। तो देखिए, वैसे भक्ति अपने आप में ही बहुत दुर्लभ है। बताया जाता है कि ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि पूरे ब्रह्मांड में कितने जीवात्मा भटक रहे होंगे, पूरे ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीवात्मा भटक रहे हैं पूरे ब्रह्मांड। उसमें कह रहे हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव है उसको कैसे, गुरु कृष्ण प्रसाद है, गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज, भक्ति लता का क्या मिलता है, बीज मिलता है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भ्रमण करने के बाद, अनंत कोटि साल, कितने हजार साल भ्रमण करने के बाद एक जीवात्मा को क्या मिलता है, ये भक्ति लता बीज मिलता है। और फिर गुरु और कृष्ण की से कृपा से जो मिला बीज है वो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से क्या करता है, इस बीज को पानी डालता है और धीरे धीरे ये बीज पौधा बनता है और पौधा बनते बनते वृक्ष बनता है और वृक्ष बनते बनते यही वृक्ष फिर सीधा गोलोक वृंदावन तक जाता है जो पहले बीज था, और फिर वो हमें राधा कृष्ण का प्रेम देता है। तो उसके बाद भगवान गीता में बताते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित मामेति तत्पता, कि हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति है जो भगवान की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब कि जिनको ये बीज मिल गया है वो ऐसे कितने लोग हो गए हैं, हजार लोग हो गए। भगवान बता रहे हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कई हजारों हो गए ऐसे। कश्चित यतति सिद्धये, अब इनमें जिनमें बीज मिला है उसमें से कश्चित यतति सिद्धये, सारे लोग आगे क्या नहीं करते, कश्चित यतति सिद्धये, सब लोग क्या करने का प्रयास करते हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यततां अपि सिद्धानां, अब इनमें से जो भगवान को परफेक्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कश्चित मामेति तत्पदा, उसमें से कोई इक्का दुक्का विरला ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि वास्तविकता में भगवान कृष्ण को जानना बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है। भक्ति बहुत दुर्लभ है ना, और भक्ति में फिर भक्ति को कंटिन्यू रहना और भी दुर्लभ है, और फिर भक्ति को कंटिन्यू करते करते उसमें परफेक्शन हासिल करना सबसे ज्यादा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, रेयर है ना। तो इसलिए ये बताया गया है, कहते हैं जो योगी है ना, कई कई हजार साल तक भगवान की तपस्या करने के बाद भी भगवान को क्या नहीं कर पा रहे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसलिए जो प्रभुपाद जी हैं
पहले अगर आप देखेंगे गीता में अलग अलग चैप्टर का नाम है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, कर्म कांड से शुरू होता है, भक्ति योग तक जाता है। भगवान ने सारे चैप्टरों को क्या किया है, अच्छे समझा है। तो कर्म कांड से क्या होता है, व्यक्ति कर्म कांड में क्या करता है कि कर्म कांड में वो क्या करता है, जो भी कार्य करता है ना, वैसे तो उसका जो वो रिजल्ट है, जो उसका फल है, खुद ही भोगता है। लेकिन जब कर्म योग आता है तो जहाँ पे योग आ जाता है शब्द, वहां पे मतलब भगवान से उसका कोई संबंध है। तो कर्म योग में क्या करता है, वो जो कार्य करता है उसका जो फल है उसमें से कुछ फल भगवान को अर्पण करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे वो भगवान से ऐसे जुड़ता है, कर्म योग इसे कहते हैं। फिर ज्ञान योग में क्या होता है, ज्ञान योग में जो ज्ञानी है उसको ये ज्ञान है कि उसका जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या है, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। उसको भगवान का प्रेम से ज्यादा मतलब नहीं है, उसको क्या चाहिए, ज्ञान इकट्ठा करना है, ये भी जान लो, ये भी जान लो, सब जान लेता हूँ, है ना। तो वो ज्ञान के चक्कर में फंस जाता है। और फिर जो अष्टांग योगी है वो क्या करता है, वो अपने शारीरिक जो है, जो कहते हैं ना योग क्रिया, अलग अलग योग क्रिया से भगवान जो हृदय में परमात्मा रूप में, उनमें ध्यान लगाने का प्रयास करता है और उससे भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन वास्तविकता में जो भक्ति योगी है वो क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, उसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भक्ति योगी है वो सिर्फ क्या, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवत गीता का पाठ करके, भगवान के दर्शन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, इतना सरल है। तो इसलिए कलयुग में बताया गया है कि ये जो विधि है भक्ति योगा का, है ना, प्रभुपाद बताते हैं ये जो भक्ति योगा है इट इज लाइक एन एलिवेटर, लिफ्ट होती है ना सीधा। अगर आपको फोर्थ फ्लोर पे जाना है तो दो रास्ते हैं, एक है पहला फ्लोर है कर्म योग का, फिर दूसरा फ्लोर किसका है, ज्ञान योग का, फिर तीसरा फ्लोर किसका है, अष्टांग योग का, फिर व्यक्ति चौथे फ्लोर पे पहुंच रहा है भक्ति योग। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि यार आप क्यों ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे हो धीरे 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 धीरे, आप क्या करो सीधा एलिवेटर यूज करो, जैसे हमारे मंदिर में लिफ्ट लगी हुई है, सब भक्तों ने वो लिफ्ट यूज करी होगी, तो वो B2 में लगी हुई है और किसी को फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, तो एक ऑप्शन क्या है कि सीढ़ियों से जाएं एक एक करके, है ना। तो वो जो सीढ़ियां हैं वो क्या स्टेजेस बता रही हैं कि क्या है, वो कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और अल्टीमेटली कौन सा है, भक्ति योग है। लेकिन एक भक्त नीचे जा रहा है, B2 में प्रेस करता है, लिफ्ट खुलती है लिफ्ट में बैठता है, सीधा फिफ्थ फ्लोर पे जाता है, वो क्या है, भक्ति योग है। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने का कलयुग में सबसे सरल विधि ना तो कर्म योग है, ना ज्ञान योग है, ना ध्यान योग है, वो कौन सी है, भक्ति योग है, जिसमें हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करते हैं, जप करते हैं। कह रहे जो इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं वो भी क्या प्रयास कर रहे हैं, वो भी कृष्ण की पूजा करने का ही प्रयास कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं मैं कृष्ण को प्राप्त करूं। लेकिन कई बार क्या होता है, भौतिक इच्छाओं में इंद्र फंस जाते हैं, है ना, कई बार वो कई बार भगवान से पंगे ले लेते हैं, बहुत बार तो इंद्र ने भगवान से पंगे लिए, कहाँ कहाँ पंगे लिए हैं, कृष्ण इंद्र ने भगवान से, गोवर्धन लीला में, है ना। गोवर्धन लीला में क्या होता है, भगवान क्या कर रहे होते हैं, जब सारे ब्रजवासी किसमें लगे होते हैं, भगवान के इंद्र के लिए जो यज्ञ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान छोटे होते हैं, तो भगवान कह रहे हैं आप नंद बाबा को कि आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कह रहे बेटा देख इंद्र हमें क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, उससे अनाज उत्पन्न होता है, इसी के लिए हम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अनाज तो बारिश तो फिर भी होगी, इंद्र को बारिश करनी पड़ेगी, तो आप हमें जो सब कुछ मिलता है वो किससे मिलता है, गोवर्धन से मिलता है, तो आप जो भी कर रहे हो वो सारा किसके लिए करो, गोवर्धन के लिए करो। तो नंद बाबा समझाते हैं कृष्ण छोटे से बालक है अभी, कह रहे बेटा हाँ हम ना बाद में कृष्ण के लिए भी, गोवर्धन के लिए भी अलग से करेंगे, अलग से यज्ञ करेंगे, सब कुछ करेंगे,
कह रहे नहीं 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 बाबा, आप जितना भी यज्ञ है, जितना भी सामग्री है, सारा किसके लिए करो? गोवर्धन के लिए। अब बच्चा कृष्ण है, अब नंद बाबा फिर कृष्ण की बात को मना नहीं करते, तो कृष्ण पे विश्वास होता है पूरा, तो वो क्या करता है, ठीक है जी कर दे। और जब इंद्र को ये पता लगता है तो इंद्र बहुत ही क्या हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और वो क्या है, समर्थक बादलों को भेज देते हैं, और वो समर्थक बादल खूब वर्षा कर रहे हैं, खूब वर्षा कर रहे हैं, सारे गोवर्धन में क्या हो गया है, बाढ़ आ गई है, सारे ब्रज में क्या हो गया है, बाढ़ आ गई है। तो तभी भगवान किसको उठाते हैं, गोवर्धन को उठाते हैं, और सारे ब्रजवासी इसकी क्या करते हैं, रक्षा। तो वही इंद्र फिर बाद में, जैसे आप लोग गोवर्धन जाते होंगे तो वहां पे हम उस जगह के दर्शन भी करते हैं, वही इंद्र बाद में आते हैं और भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं कि भगवान वैसे क्या हो गए हैं, दुखी हो गए। तो जितने भी देवी देवता भी हैं वो भी वास्तव में क्या कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जब कोई भी भक्त जब भक्ति में जुड़ता है तो देखिए शुद्ध इच्छा से नहीं जुड़ता है ना, क्या बताएगा, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारी तीव्रेन भक्ति योगेन। कि अगर किसी भक्त की अकाम कोई भी इच्छा नहीं है, सर्व काम सारी इच्छाएं भी हैं, मोक्ष काम अगर मोक्ष की भी इच्छा है, तीनों केस में उसे करना क्या है, तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से क्या करनी है, भक्ति। ये नहीं देखना यार मेरे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं कैसे होगा क्या होगा, नहीं, तीनों केस में क्या करना है, तीव्र रहना भक्ति योगे। ऐसा हम एक चरित्र पढ़ते हैं भागवतम में, जिसकी बहुत ही बड़ी भौतिक इच्छा थी और उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति करी, कौन है वो, बहुत दृढ़ता से भगवान की भक्ति करी, 6 महीने में भगवान के दर्शन कर लिए, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, स्टोरी सबको पता है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, कि मुझे अपने ग्रैंडफादर से भी बड़ा किंगडम चाहिए, दादाजी से भी बड़ा किंगडम, ब्रह्मलोक से भी बड़ा किंगडम चाहिए। ध्रुव महाराज की मम्मी कह रही बेटा छोटे से ध्रुव, 5 साल का ध्रुव, 6 साल का, कह रहे रहने दे बेटा, कह रहे नहीं नहीं माता नहीं, मेरे को तो अपना किंगडम चाहिए ही चाहिए। फिर माता कहते ठीक है, अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो आप विष्णु की शरण लें। तो ध्रुव महाराज निकल जाते हैं, जंगल में निकल जाते हैं, वहां उन्हें कौन मिलते हैं, नारायण नारायण, वहां उन्हें नारद मुनि मिलते हैं। तो नारद मुनि क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ध्रुव महाराज को कि ये वास्तविकता में डिटरमाइंड है या नहीं है। तो फिर वो नारद मुनि बोलते हैं ध्रुव महाराज को कि बेटा आप अभी छोटे से बालक हो, आपकी खेलने की कूदने की उम्र है, आप कहाँ जा रहे हो तपस्या करने। तो नारद मुनि क्या बोलते हैं, ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, अगर आप मुझे मेरे लक्ष्य में मदद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक्सक्यूज नहीं तो मुझे छोड़ दो। फिर ध्रुव महाराज बहुत ही भीषण तपस्या करते हैं 6 महीने, और 6 महीने के अंदर क्या कर लेते हैं, भगवान के दर्शन। तो ये देखिए, तो एक भक्त किसी भी सिचुएशन में भक्ति में जुड़ा हो, लेकिन अगर वो तीव्रता से भक्ति कर रहा है तो क्या है, भगवान को जरूर प्राप्त करेगा। और यहाँ पर प्रॉब्लम बता रहे हैं कि भक्त के लिए बहुत ही सरल है भगवान को प्राप्त करना, है ना। प्रॉब्लम लिख रहे हैं कि तात्पर्य के बीच में मैं आपको इंग्लिश में हिंदी में बताता हूँ, बहुत ही सरल लाइन लिख रहे हैं, भगवान को यथारूप में केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, और जब मनुष्य ऐसी भक्ति से भगवान की पूर्ण चेतना में स्थित होता है तो वह ईश्वर के धाम में प्रवेश कर सकता है, है ना। तो कह रहे हैं भगवान को यथारूप में केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। इंग्लिश में प्रॉपर बहुत अच्छा इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, वन कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी एज ही इज ओनली बाय डिवोशनल सर्विस।
कि सिर्फ भगवान की सेवा द्वारा भगवान को हम जान सकते हैं। अदा श्री कृष्ण नाम आदि ना भगवत ग्रहम इंद्रिया सेवन को ही जीवा दो, कि हम इस मटेरियल ब्लंट मटेरियल सेंसेस से हम भगवान को नहीं समझ सकते। हम भगवान को किससे समझ सकते हैं? सेवन मुखो ही जीवा दो, कि जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर भगवान अपने आप को रिवील करेंगे। जैसे आज सब भक्त लोग गुंडीचा मार्जिन में लगे हुए थे, है ना, सबने अपनी क्या करी थी, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया होता है ना। ऐसे हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण देखते हैं, अम्बरीश महाराज क्या कर रहे हैं, अपनी सारी इंद्रियों को क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो जब एक भक्त का ये भाव होता है वो अपनी सारी इंद्रियों को किसमें लगाता है, भगवान की सेवा में, तब उसको भगवान के लिए प्राप्त करना, भगवान का प्राप्त करना क्या है, बहुत ही सरल हो जाता है। ये भगवान बता रहे हैं। तो ऐसे कई पांच टाइम्स हैं जो श्रील प्रभुपाद जी की लाइफ में, प्रभुपाद जी के शिष्यों के, जहाँ प्रभुपाद जी ने सेवा पे बहुत महत्व डाला है कि भक्तों को सेवा जरूर करनी चाहिए, है ना। एक भक्त थे तो प्रभुपाद जब भी अपने कमरे से बाहर निकलते थे तो एक बार सुबह टेंपल हॉल में सबको ओबीसेंसेस पे हो गया, फिर भी जब भी बाहर निकलते थे डेली प्रणाम करते थे। फिर एक दिन हुआ, दूसरे दिन निकले, फिर दूसरे दिन भी प्रभुपाद को पूरा धन्यवाद प्रणाम, तीसरे दिन निकले, तीसरे दिन भी प्रणाम, अब चौथे दिन निकले फिर प्रणाम करे। फिर प्रभुपाद ने उनको बुलाया, कह रहे इधर, कह रहे डू समथिंग प्रैक्टिकल। प्रभुपाद ने क्या बोला, आपको जीवन में प्रैक्टिकल सेवा भी करो। प्रणाम करना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है आप डेली मुझे प्रणाम कर रहे हो, बट डू समथिंग प्रैक्टिकल फॉर कृष्ण। तो ऐसे ही एक बार अभी हमारा क्या कहते हैं भक्ति वैभव चल रहा था, तो हिज ग्रेस वंशी वदन प्रभु सुप्रो जी बहुत अच्छे से बता रहे थे कि मंदाकिनी माता जी थी फ्रांस में, तो प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि जब श्रील प्रभुपाद 1975 के बाद जब प्रभुपाद जी की हेल्थ ठीक नहीं थी तब भी प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, पूरे विश्व में ट्रेवल कर रहे थे। तो मंदाकिनी माता जी के हृदय में ऐसे ही आया कि जो मेरे गुरु हैं वो अपनी इतनी, उनका स्वास्थ्य अच्छा भी नहीं है फिर भी वो पूरे विश्व में ट्रेवल कर रहे हैं, तो कभी मुझे भी मौका मिले प्रभुपाद जी की सेवा करने का तो भगवान मुझे भी मौका देना कि मैं भी कोई ऐसी सेवा कर सकूं जो मेरे लिए बहुत कष्टदायक हो। तो मंदाकिनी माता जी प्रभुपाद विग्रह से ये प्रार्थना करती है, और फिर तभी प्रभुपाद जी का कुछ ही दिन के बाद फ्रांस में चक्कर लगता है, और जैसे ही वो मंदाकिनी माता जी से मिलते हैं उनको बुलाते हैं और कुछ पूछे बिना ही उनको बुलाते हैं और कुछ पूछे बिना ही मंदाकिनी माता जी को क्या बोलते हैं कि मेरा एक शिष्य है रशिया में, सिर्फ एक ही मात्र शिष्य है, अनंत शांति प्रभु, कह रहे आप जाइए और उनसे विवाह कर लीजिए। तो मंदाकिनी माता जी पूरा शॉक हो जाती है क्योंकि माता जी क्या है, फ्रेंच है, प्रभु जी क्या है, रशियन है, ना उनको उन्होंने कभी देखा है, ना उनकी भाषा पता है, ना देश के बारे में कुछ पता है। तो फिर मंदाकिनी माता जी को रियलाइज होता है कि अभी मैंने जो प्रार्थना करी थी कुछ दिन पहले ये वो उसी का परिणाम है। वो बिना कुछ रिटेलिएट करे अपना बैग सामान पैक करती हैं, रशिया जाती हैं और अनंत शांति रूप से विवाह करती हैं। ये देखिए सेवा है। अहे द्वितीया प्रतीयता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो जब हमारी सेवा में ये भाव होगा अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा, तब वो क्या होगा, वास्तव में हमें क्या करेगी, संतुष्टि देगी, वास्तव में संतुष्टि देगी। ऐसे रामेश्वर प्रभु को ऐसे मॉर्निंग वॉक हो रहा था, तो रामेश्वर प्रभु प्रभुपाद जी के साथ चल रहे थे और एक दो भक्त और चल रहे थे, तो रामेश्वर प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर सुना रहे थे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर सुन के बहुत खुश होते हैं। तो फिर रामेश्वर प्रभु ने बोला कि प्रभुपाद हम पूरी चैतन्य चरित्रामृत
दो साल के अंदर छाप देंगे। उन्हें लगा कि प्रभुपाद जी बड़ी तारीफ करेंगे, कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छा है रामेश्वर, कीप इट अप। तो फिर प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करते ही करते प्रभुपाद क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट इट इन 2 months, मुझे 2 महीने के अंदर पूरी चेतना चरितामृत चाहिए। फिर रामेश्वर पूरे वहीं रुक जाते हैं, प्रभुपाद वॉक करते रहते हैं। फिर रामेश्वर को बोलते हैं इम्पॉसिबल, असंभव है ये प्रभुपाद जी, असंभव है असंभव। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड इन ए फूल्स डिक्शनरी। ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है फूल्स डिक्शनरी, तो वहां पे सचरूप महाराज लिख रहे हैं लीलामृत में, रेदर देन थिंकिंग नॉट टू डूइंग इट, दे ऑल डू दैट टास्क इन ए वेरी हैवीली मैनर। तो रामेश्वर को भी पूरी टीम लग जाती है, वो दिन रात बीबीटी प्रेस में ही सोते हैं, खाते हैं, वहीं पे प्रिंटिंग करते हैं, और 2 महीने के अंदर पूरी चैतन्य चरितामृत प्रिंट लाके प्रभुपाद को देते हैं, श्रीला प्रभुपाद की। और जब प्रभुपाद ये देखते हैं कि भक्तों ने इतना मेहनत किया है, इतना सेवा किया है, तो प्रभुपाद जी का हृदय पिघल जाता है। प्रभुपाद एक लेटर लिखते हैं, यहाँ पे हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम बैठी हुई है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद एक लेटर लिखते हैं, उसमें लिखते हैं बाय योर दिस एंडेवर माय गुरु महाराज विल बी वेरी प्लीज्ड, कि आपके इस सेवा को देख के मेरे गुरु बहुत प्रसन्न हुए होंगे, एंड यू ऑल विल गो बैक होम बैक टू गॉड। जय श्री प्रभुपाद जी। और कह रहे हैं आपके इस एंडेवर को देख के आप सब लोग कहाँ जाएंगे, भगवत धाम निश्चित रूप से जाएंगे ही जाएंगे। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं कि हम भगवान को भगवान की सेवा से ही जान सकते हैं। देखिए सुबह हरे कृष्ण महामंत्र में हम क्या कह रहे हैं, ओ राधा रानी, ओ कृष्ण, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, मुझे अपनी सेवा दीजिए। तो इसलिए जब सेवा आए तो भक्तों को बहुत उत्साहित होना चाहिए, बहुत उत्साहित होना चाहिए। और जब वो सेवा मिले तो उसमें, जैसे एक बार गौर गोविंद स्वामी महाराज थे, तो प्रभुपाद जी ने उन्हें बोला कि आप भुवनेश्वर जाइए, वहां पे एक मंदिर खोलिए। तो तब तक तो क्या है कि कुछ भक्त भी बन चुके थे, कुछ बुक्स भी प्रिंट हो चुकी थी, और स्कॉन का थोड़ा सा शुरू हो गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभुपाद जी, मैं चला जाता हूँ, आप क्या करिए मुझे थोड़ा धन दे दीजिए, कुछ भक्त दे दीजिए, कुछ किताबें दे दीजिए, मैं जाके वहां पर सेंटर खोलने का प्रयास करता हूँ। तो फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझे कुछ नहीं दिया था, आप भी ऐसे ही जाइए। फिर गौर गोविंद स्वामी महाराज वहां पे जाते हैं भुवनेश्वर में और स्ट्रगल करते हैं। आप पता है वो कहां सोते थे, जो सुईर पाइपलाइंस होती है ना उसके अंदर सोते थे, कई महीनों तक उसके अंदर सोए। और सबसे पहले उन्होंने प्रभुपाद जी की कुटिया बनाई, फिर धीरे धीरे वहां से फंड कलेक्ट करके संघर्ष करके, आप में से कई लोग गए भी होंगे, जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो भुवनेश्वर भी जाते हैं भक्त लोग, तो भुवनेश्वर में बहुत ही विशाल स्कॉन का मंदिर है, तो वो गौर गोविंद स्वामी महाराज के द्वारा बनाया गया है। तो इतना स्ट्रगल किया जस्ट प्रभुपाद जी की एक वाणी पर। और फिर जब प्रभुपाद वहां पे विजिट करते हैं भुवनेश्वर मंदिर में, तो जो गौर गोविंद स्वामी महाराज है वो उनके लिए सामने 5-star होटल बुक करते हैं कि प्रभुपाद जी आएंगे 5-star होटल में रुकेंगे। लेकिन प्रभुपाद कहाँ रुकते हैं, जो छोटी सी कुटिया गुरु गोविंद स्वामी महाराज ने प्रभुपाद के लिए बनाई है, क्योंकि प्रभुपाद उनकी इस सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखिए कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, सेवा सेवा है। और वो सेवा बस गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, है ना। जैसे श्यामानंद प्रभु हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, हाँ
और उनको नूपुर मिल जाता है, राधा रानी का नूपुर। ऐसे ही नहीं मिल जाता राधा रानी का नूपुर, राधा रानी की कृपा से मिलता है। सिर्फ झाड़ू लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, और उनकी वो झाड़ू लगाने की सेवा को देख के राधा रानी इतनी प्रसन्न हो जाती है कि वो नूपुर छोड़ देती है अपना उसी जगह। तो वो नूपुर रख लेते हैं और बाद में उन्हें स्वयं दर्शन होते हैं। तो इसलिए सेवा का, इसलिए कह रहा था श्री कृष्ण नामादि ना भवत ग्रहम इंद्रिया सेवन मुखो ही जीवा दो, कि अगर हमें भगवान को जानना है तो हमें भगवान की सेवा में जुड़ना ही होगा। जब 1995 में जब ईष्टो कैलाश का ये जो बड़ा मंदिर हम देखते हैं ये कंप्लीट हुआ, और इन्होंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछा कि महाराज आप बहुत खुश होंगे मंदिर कंप्लीट हो गया, इतना संघर्ष हुआ 8-10 साल का, है ना। सबने महाराज को बोला था ये क्या पहाड़ी में मंदिर बना रहे हो आप लोग, कोई आएगा यहाँ पे? कोई नहीं आएगा। पहाड़ पे कोई चढ़ के आएगा? कोई नहीं आएगा। यहाँ पे क्यों बना रहे हो यहाँ पे मंदिर? महाराज ने कहा बनाओ मंदिर, बनाओ। तो जब ये पूरा मंदिर तैयार हुआ और इसकी ओपनिंग करने अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे, तो पर महाराज का एक ही स्टेटमेंट था, जब भक्तों ने बोला महाराज मंदिर तैयार हो गया बहुत प्रसन्न हो गए, तो महाराज ने कहा श्रील प्रभुपाद मस्ट बी वेरी प्लीज, आप प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए होंगे। श्री प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छा की कि दिल्ली में बहुत प्रचार हो, और आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से दिल्ली NCR में 14 मंदिर हैं। जय श्रील प्रभुपाद की, और हर मंदिर में रथ यात्रा निकल रही है, सैकड़ों मंदिर बन रहे हैं, है ना। सो ये गुरु परंपरा की शक्ति है, ये गुरु परंपरा की शक्ति। तो इसलिए जब एक भक्त भक्ति में जुड़ता है, सेवा में जुड़ता है, तो ये यथा माम प्रबदन्ते तं सदैव भजाम्यहम्, तब भगवान जितनी मात्रा में वो भगवान की सेवा करता है उतनी मात्रा में भगवान उसको रिवील करते हैं। तो शिव जी आज इस तात्पर्य में यही पूरा बता रहे हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त भक्ति कितनी दुर्लभ है, और भक्ति में परफेक्शन हासिल करना और भी दुर्लभ है, और कैसे हम भक्ति में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। एक तो हम भक्ति योग का पालन करें, भक्ति योग का पालन करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरा हम भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, इसको कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी का कोई प्रश्न कोई कमेंट Anybody has any question, comments? अष्टांग योग में गुरुजी, अष्टांग योग में क्या होता है, जो एक योगी है वो ना सिटिंग पोस्चर्स प्रैक्टिस करता है, मतलब सीधा बैठेगा, है ना, और कमर बिल्कुल सीधी, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, जंगल में जाएगा, है ना, और भगवान को जो हृदय में परमात्मा है उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है सालों साल। अष्टांग योगी हृदय में जो परमात्मा है उन पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। तो कलयुग में बहुत मुश्किल है, कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए तो महामंत्र में ध्यान लग नहीं रहा। ऐसे एक बार माता जी आई, नहीं एक प्रभु जी आए कि कि वो कह रहे थे कि मैं पूरा दिन कृष्ण को रिमेम्बर ही नहीं कर पाता। प्रभु जी ने कहा मैं पूरा दिन कृष्ण को स्मरण ही नहीं कर पाता। तो फिर जो एक सीनियर भक्त है उन्होंने बोला मैं तो जब कृष्ण की माला कर रहा होता हूँ सुबह उसमें कृष्ण का स्मरण नहीं होता। इसलिए अष्टांग योग बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट हम 16 माला का जप करें, 4 नियमों का सख्ती से पालन करें, तो प्रभुपाद ने क्या कहा है कि कहां से एंट्री हो जाएगी, अगर फ्रंट से एंट्री नहीं हुई तो वहां पे कौन खड़ा है? भक्ति सिद्धांत का सरस्वती ठाकुर। तो मैं बैक डोर की से एंट्री कराऊंगा, आप बस प्रोसेस का पालन करें। और किसी अगर प्रश्न आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।